साहब से झगड़ा हुआ क्या मैडम? ईशान मुझसे नाराज है। तो क्या हो गया मैडम? अरे बाबा, औरत और मर्द में झगड़ा तो होते ही रहते हैं। साहब जब शाम को आएंगे ना तो उनको प्यार से रिझाने का और फिर शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उनको ऐसा वेलकम करने का। माधुरी व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? तुम जाओ अपनी एसोसिएशन की मीटिंग में। अरे बाबा जाती है मैं, जल्दी जल्दी जाती है वो करने का। हाँ गो नाउ तंबू। इंदर क्या? आओ ना। अरे क्यों इस तरह मुझे अंदर ले आए? अरे रुको तो मेरी रानी। इंदर प्लीज मुझे बहुत काम है। अरे रानी सुनो तो मेरी जान। क्या है? मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। इंदर क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। अरे मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा हूं यार। फिर? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि मैं सलीम के रोल के लिए फिट हूं कि नहीं। हाँ? कि क्या सलीम का भूत सवार हो गया है तुम पे? यू भूत नहीं सवार हुआ है, मेरे अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है ना वो अंगड़ाई लेके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सोचो दिशा सोचो, मैं कल को सलीम का रोल करूंगा। पूरा मोहल्ला देखेगा, सीटियां बजाएगा, तालियां मारेगा, इतनी वाह वाह मिलेगी मुझे। दिशु मुझे तो लगता है लोकल न्यूज़पेपर में तो छपके आएगा ही आएगा, है ना? अरे दिशु तुम्हें याद नहीं पिछली बार जो नाटक हुआ था उसमें कैसे मंगत का फोटो आया था? इस बार मेरा फोटो आएगा। इलेश इलेश मगर तुम... अरे दिशु प्लीज तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। हाँ तुम्हें ना मेरी 4-5 बार रिहर्सल करवानी है, ठीक है? मैं सलीम और तुम अनारकली। क्या मैं अनारकली? अरे नाटक में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ रानी, प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, वो भी घर पे। साथ में रिहर्सल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। इंदर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या काम धाम छोड़ के किन चक्करों में पड़ गए तुम? अरे और ये तुम्हें अचानक एक्टिंग की कहाँ से सूझी? कभी पहले एक्टिंग की है तुमने? क्या बात करी हो रानो? अरे कॉलेज के जमाने में मैंने कितने सारे प्लेस कर रखे हैं और एक प्ले में तो मैंने सलीम का रोल किया हुआ है। तो क्या हुआ किया हुआ है? तो ये वो कॉलेज के जमाने में था ना, और अभी ये कोई उम्र है प्ले करने की भाई? ओए ओए, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? ये देखो अभी भी एकदम फिट हूँ और सलीम के रोल में बड़ी आसानी से फिट हो जाऊंगा। बस एक तलवार कहीं से मिल जाए ना तो मैं परफेक्ट सलीम बन जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? कोई जरूरत नहीं है नाटक वाटक करने की, चुपचाप जाओ और जाकर नौकरी ढूंढो। दिशु तुम क्या मेरी नौकरी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं दिन रात नौकरी ढूंढता फिरूंगा क्या? और रिहर्सल तो शाम को होगी। इंदर ये एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो रानी? तुम आओ इधर आओ, मैं तुम्हें एक सलीम का डायलॉग सुनाता हूँ, उसके बाद तुम फैसला करना, ठीक है? और उससे पहले तुम लाइन बोलो। हमारा हिंदुस्तान तुम्हारा दिल नहीं, लौंडी जिसमें हुकूमत करे। बोलो ना, बोलो। हाँ हाँ, हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं, लौंडी जिस पर हुकूमत करे। शाबाश, मेरा जवाब। और हमारा दिल भी आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। अरे आगे बोलो ना जो तुम्हें सिखाया था, आगे की लाइन बोलो। हाँ, पाँव की खाक को सर का ताज ना बनाइए साहिब आलम। वो बन चुका अनारकली। हम देख रहे हैं अकबर आजम का हिंदुस्तान तुम्हारे इख्तियार में होगा अनारकली। अरे बोलो तुम्हारा डायलॉग है। हाँ, खुदा के लिए। मेरी लाइन है, हिंदुस्तान के रियाया की तकदीरें तुम्हारे गेसुओं के हल्के में होंगी अनारकली। अनारकली? मैं अनारकली? हाँ रानी तुम अनारकली। बस बस ये अनारकली को पटाने वाले डायलॉग्स की प्रैक्टिस हो जाए फिर मेरा काम हो जाएगा। आप ऑफिस जाइए, चलिए ऑफिस जाइए। अरे पहले बैग तो लेने दो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अरे रास्ता छोड़ो इलेश। मैं करा दूंगा ना मीठी को होमवर्क। प्लीज मेरे लिए अनारकली बन जाओ ना प्लीज, 2-4 दिन की तो बात है रानी। चुपचाप ऑफिस जाओ। अरे रानी अनारकली। तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे? I have to manao you. Come on, सुहाना कश्यप, ईशान पर अपना जादू चलाई दो। वैसे it's looking quite romantic. अगर मैं माधुरी के स्टाइल में रोमांस करूँ तो? ए हलकाट, आना मेरे बाजू में बैठना। No, यार, I must take a shot. ये ईशान देगा। दो टाल्स। OMG, अगर क्लाइंट कंपनी का होता तो मुझे पता होता तो फिर क्लाइंट कौन हो सकता है या हो सकती है? इसका मतलब सुहाना वापस आ गई। नहीं, अब और गुस्सा नहीं करूंगा, पहले ही बहुत गुस्सा कर चुका हूं मैं। अगर सुहाना ने बात छुपाई थी तो बड़ी माँ की खुशी के लिए। शिकायत होनी चाहिए अगर मुझे तो फिर घर वालों से होनी चाहिए, सुहाना से क्यों? सुहाना। ईशान, ये टॉवल किसने यूज किया? मैंने। डोंट लाई। इसमें से विमेन परफ्यूम की स्मेल आ रही है। क्या हुआ ईशान, बताओ ना। नहीं, सुहाना को सोना के बारे में बताना ठीक नहीं है। ईशान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ ना मैं, तुम पहले ही बताओ कि तुम कब आई और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि गेस्ट आने वाले और तुम दिल्ली में हो? पहले तुम मुझे ये बताओ इस टॉवल का चक्कर क्या है? ये क्या फालतू का तरीका है टीज करने का? और मेरी टॉवल में से फीमेल परफ्यूम की स्मेल कैसे आ सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं भी। अच्छा ईशान, आई एम श्योर यहाँ पर डेफिनेटली कोई आया था। मैंने डाइनिंग टेबल में भी 2 कप्स देखे थे चाय के। लिसन, आई वांट टू नो यहाँ पर कौन आया था। अरे कोई नहीं आया था, और वो 2 कप चाय मैंने भी है। और क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मुझे दूसरा कप चाय पीनी तो क्या पहला कप धो के फिर उसमें चाय पीऊँ मैं? तुम मुझसे नजरें चुरा के क्यों बात कर रहे हो? तुम डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम क्या मुझ पे शक कर रही हो? और क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हेलो, झूठ बोल के तुम मुझसे गई थी दिल्ली। ईशान, मुझे बड़ी माँ ने कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, बड़ी माँ ने कहा, तुमने मान लिया। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और वो भी इतनी बड़ी बात। ईशान, अगर मेरा सीक्रेट होता मैं तुम्हें बता देती, लेकिन वो घर की बात थी। हाँ ठीक है, अगर मेरा कोई सीक्रेट होगा तो मैं बता दूंगा। ओके हैप्पी। और वैसे भी ये मामला मेरे घर का था सुहाना, जो बात तुम जान सकती वो मैं भी जान सकता हूँ। ओके? मेरे घर का? तो ठीक है, जाके अपनी फैमिली से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। अपने घर वालों से ही पूछूंगा, तुम भी अपनी बकवास बंद करो। What do you mean? मैं बकवास कर रही हूँ ईशान? Yes, तुम बकवास कर रही हो। तुम पहले से जानती थी कि मैं गुस्सा हूँ, इसीलिए तुम पहले से ऑफेंसिव हो गई। अरे क्या ये सब, 2 टॉवल, 2 कप, what is all this? ईशान, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ तो मैं भी तुमसे बात करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा हूं। सॉरी सुहाना, मैं तुम्हें सोना के बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, ईशिका ने आपसे 500 रुपए लेते उसका हिसाब दिया उसने? हाँ दिया, पूरा हिसाब दिया। अच्छा 5 किलो अचार मिल रहा है होलसेल की दुकान से, ले लो। 5 किलो? हाँ। ओहो, जल्दी से अपना हिसाब किताब खत्म कीजिए ना। बड़ी भाभी मुझे कुछ कहना है। क्या बात करनी है? इसको आपसे कोई राज की बात करनी है, इसलिए मन ही मन ये सोच रही कि कब मैं यहाँ से निकलूं, है ना? नहीं भैया, आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके सामने भी कह सकती हूँ। मुझे असल में ईशान और सुहाना की चिंता हो रही है। ईशान अब भी सुहाना से नाराज है। मुझे डर है कि ये झगड़ा कहीं और ना बढ़ जाए। अरे ऐसे कैसे झगड़ा करेगा वो उसके साथ? अभी ठीक करता हूं मैं उसको। नहीं आलो, रहने दो। ईशान और सुहाना को अपने झगड़े खुद निपटाने दो। अरे पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं, कौन सी नई बात है। उन दोनों को अपने रिश्ते की गहराई और उसकी गरिमा को अब समझना होगा। देखते हैं, अगर बात हद से आगे बढ़ गई तो हम भी हैं ना, पर मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। सुहाना बिल्कुल बदल चुकी है, अब वो अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचती है। इतना गुस्सा? अरे मैंने किया क्या है? बड़ी माँ ने मना किया था तो मैं क्या करती? I haven't done anything wrong। ईशान कश्यप, तुम गुस्सा हो तो मैं भी गुस्सा हूं, मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगी। आज मैं सुहाना कश्यप हो गई तो क्या हो गया? कभी मैं भी सुहाना बाजपाई हुआ करती थी। OMG, इस चक्कर में तो 2 टॉवल्स और 2 कप की बात तो रह गई। कितनी आसानी से इसने घर की बात कह के इतनी इम्पोर्टेंट बात टाल दी। मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। भी क्या हो गया है? मैं भी टिपिकल हाउसवाइफ बनती जा रही हूँ। टॉवल में परफ्यूम, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। या मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट मुझे फीमेल परफ्यूम में कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? यस, टॉवल से फीमेल परफ्यूम की ही स्मेल आ रही थी। I'm sure? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे सुन क्यों नहीं थी तुम? कुछ नहीं ऐसे। ईशान, tell me one thing. वो 2 कप्स में चाय तुमने ही पी थी क्या? तुम मुझे सुन के ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी? नो, वो टॉवल। भाड़ में गया तुम्हारा टॉवल। सुनो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही तुम्हें, ठीक है? क्यों नहीं दे रही एक्सप्लेनेशन? तुम मुझसे ऐसे कैसे कुछ छुपा सकते हो? आई एम योर वाइफ ईशान। वैसे ही जैसे तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम दिल्ली क्यों जा रही हो। अगेन यू स्टार्टेड। मैंने तुमसे कहा ना, बड़ी माँ ने मुझे मना किया था। जैसे मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया। थैंक यू सो मच। और जब मुझे लगेगा ना कि मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए, मैं बता दूंगा। ओके? नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ईशान, तुमने एक बार नहीं पूछा वहां क्या हुआ। वहां बड़े पापा। ईशान, तुमने एक बार बड़ी माँ से बात नहीं की है। उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए ना, उन्हें फोन तो करना चाहिए ना, उन्हें अच्छा लगेगा। हर दिन, एवरी मोमेंट वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती है हमेशा। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। ईशान, तुमने एक बार बड़ी माँ से बात नहीं की है, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए ना, उन्हें फोन तो करना चाहिए ना। हेलो रजनी भाभी, बड़ी माँ है क्या? प्लीज उनसे अच्छी तरह बात करना, उन्हें कंसोल करना। मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी है। माँ ईशान, हाँ ईशान, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ बड़ी माँ, कैसी हैं आप? बड़ी माँ उदास मत होइएगा, हम सब हैं ना आपके साथ। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों उदास होंगी? और मैं जानती हूँ कि मेरे पास कितना प्यारा परिवार है। हाँ, पर उस प्यारे से परिवार का हिस्सा मैं नहीं हूँ, इसलिए तो आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। नहीं ईशान, तू भी जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस नहीं चाहती थी कि तू परेशान होकर सारा कामकाज छोड़कर यहाँ चला है, बस। अरे कामकाज जरूरी है या आपको पता है ना, आपके लिए मैं अपनी नौकरी भी छोड़ के आ सकता था। देखा देखा, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया। ईशान, अब गुस्सा छोड़ देना, अब सब ठीक है। अब मुझे बता तू कैसा है, सुहाना ठीक से पहुंच गई ना? हाँ वो सब ठीक है। माँ बताइए कि कैसी हैं आप, मुझसे कुछ छुपाइएगा मत। तुम बार बार क्या एक ही क्वेश्चन किए जा रहे हो? Are you consoling or complaining? मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो तुम। अरे क्यों डांट रहा है सुहाना को? कुछ नहीं, फालतू के आइडिया देती रहती है। अचानक से वो आइडियल बहू बन गई है ना, इसे लगता है कि पूरे परिवार को यही समझती है। मैं तो समझता ही नहीं कुछ। मैंने कहा कुछ कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि तुम बड़ी माँ से। जरूरी नहीं है ना कि जैसे तुम चाहो वैसी बात करूँ मैं। अरे ये हो क्या गया है तुम दोनों को? बड़ी माँ वो सब छोड़िए, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ जाइए हमारे पास। ओह ईशान, दैट्स सच अ ग्रेट आइडिया, यू टू गुड, आई लव यू। आएंगी ना आप? हाँ, पर अभी नहीं। हाँ, थोड़े दिनों बाद। बाद में क्यों, आइए ना अभी। बड़ी माँ लाओ, मुझसे बात करो। मैं बात कर रहा हूँ ना, वेट। बड़ी माँ मैं इतना चाहता हूँ कि आप प्लीज खुश रहिए। तू मुझे खुश देखना चाहता है ना, तो बस हमारी सुहाना को खुश रख, उसे इतना प्यार दे कि उसे कभी उसकी बड़ी माँ की कमी महसूस ना हो। सुहाना को जीतने का ये एक ही तरीका है, प्यार। और मैं वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी। ठीक है बड़ी माँ, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें बहुत प्यार करूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मैं क्या करूं? तुमसे प्यार करूं या फिर टिकल करूं? Sorry. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।